हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद स्टडीज़। आपको पता ही होगा, थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि सेना के 75 हॉस्पिटल में आयुष डॉक्टर को तैनात किया जाएगा। उसके रिलेटेड CCRS ने आयुष डॉक्टर के लिए वैकेंसी जारी की है, उसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वैकेंसी में 150 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, 150 आयुर्वेदा फार्मासिस्ट और 10 पंचकर्मा थेरेपिस्ट, जिनमें से 5 मेल और 5 फीमेल की पोस्ट होगी। यह पोस्ट ऑल इंडिया में सेना के हॉस्पिटल में होगी। इसकी कंप्लीट बात हम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन फिलिंग डेट। एप्लीकेशन फिलिंग डेट जो है 26 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि शुरू हो चुका है 26 अप्रैल से। क्लोजिंग डेट जो है 5 मई शाम के 6 बजे तक बताया गया है। एडमिट कार्ड रिलीज डेट जो है 8 मई शाम के 5 बजे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 15 मई सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसकी सिलेबस हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट के बारे में। पोस्ट के बारे में देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कौन से पोस्ट हैं, साथ ही साथ कितने पोस्ट वैकेंसी है, सैलरी कितनी है, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्पेशलिस्ट, दैट इज आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट पंचकर्मा। इस पोस्ट के लिए जो है 10 पोस्ट खाली किए गए हैं। मंथली सैलरी जो है 75,000 होगा। एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कैंडिडेट की एज जो है 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कैंडिडेट को पंचकर्मा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर NCISM एक्ट 2020, यानी कि कैंडिडेट को जो है पंचकर्मा पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा। साथ ही वो इंस्टीट्यूट का जो है एनरोलमेंट होना चाहिए स्टेटस सेंट्रल रजिस्टर फ्रॉम द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और साथ ही साथ जो है 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 साल जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। सेम ही शल्य आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट की भी है। आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट शल्य के लिए 10 पोस्ट खाली की गई है। सैलरी भी सेम ही है 75,000। एज लिमिट भी सेम है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, और क्वालिफिकेशन भी सेम एज पंचकर्मा। काय चिकित्सा आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसके लिए जो है 10 पोस्ट खाली की गई है। सेम सैलरी बताई गई 75,000। एज लिमिट भी सेम है एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी सेम बताई गई है। प्रसूति तंत्र आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट में भी सेम ही क्राइटेरिया है। इसमें भी 10 पोस्ट है, सैलरी भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है और एसेंशियल क्राइटेरिया भी सेम बताई गई है। अब बात आती है आयुर्वेदा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की। इसके लिए 110 पोस्ट खाली किए गए हैं, यानी कि ज़्यादा संख्या पोस्ट की है इसमें, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 सैलरी होगी। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर्स के अबाव नहीं होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स की बात करें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में तो डिग्री इन आयुर्वेदा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर NCISM एक्ट 2020 होना चाहिए, यानी कि डिग्री होना चाहिए फ्रॉम द NCISM एक्ट, यानी कि आयुर्वेदा की डिग्री होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ 5 साल का जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की बात करें तो 150 पोस्ट इस पोस्ट के लिए दी गई है। 30,000 सैलरी होगी। एज लिमिट भी सेम है नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स, और इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो डी फार्मा आयुर्वेदा होना चाहिए फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। साथ ही 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। पंचकर्मा थेरेपिस्ट की बात करें तो 10 पोस्ट खाली की गई है। इनमें से 5 मेल के लिए और 5 फीमेल के लिए ऑलरेडी रखा गया है पोस्ट। 18,000 जो है सैलरी होगी। कैंडिडेट जो है जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 1 ईयर पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स की होनी चाहिए कैंडिडेट को फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। अब एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे जो है एग्जामिनेशन हमें देना होगा, एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। उसके लिए सिलेबस कुछ इस प्रकार है।
पहला जो है आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट एंड पंचकर्मा शल्य काय चिकित्सा प्रसूति तंत्र, उनके लिए सिलेबस जो है NCISM के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, वही सिलेबस आपको पढ़ के रखना होगा। और ये जो है 80 मार्क्स की जो है सिलेबस होगी। साथ ही साथ एक और जो है टेस्ट होगा, वो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार कुल जो है 100 मार्क्स का जो है आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट पंचकर्मा शल्य काय चिकित्सा प्रसूति तंत्र का जो है पेपर 100 मार्क्स का होगा। आयुर्वेदा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें तो उनका सिलेबस जो है सेम NCISM में ऑलरेडी दिया है, वही आपको जो है पढ़ के रखना होगा। 80 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चंस आएंगे। 20 मार्क्स के लिए जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग होगा। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की बात की जाए तो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर जो है बेसिक प्रिंसिपल, शरीर रचना, शरीर क्रिया, द्रव्य गुण, रस शास्त्र, भैषज कल्पना, शल्य शलाकीय, स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र, बाल रोग, काय चिकित्सा, स्वस्थ्रभुत, साथ ही साथ या मॉडर्न काउंटर पार्ट्स, ये जो है इनमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो 30 मार्क्स। 50 मार्क्स के जो है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द्रव्य गुण, रस शास्त्र, भैषज कल्पना, फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोमेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, रेलिवेंट रेगुलेटरी प्रोविजंस, इसके लिए जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चंस इन पे पूछे जाएंगे। और 20 मार्क्स के जो है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग पर पूछे जाएंगे। पंचकर्मा थेरेपिस्ट की बात करें तो इनकी जो सिलेबस है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा 25 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पंचकर्मा इन नेचर विथ रीजनिंग टू एक्सेस दी सब्जेक्ट नॉलेज। और 25 मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन विद एम्फेसिस ऑन मेंटेनेंस ऑफ सेफ, हेल्दी एंड सिक्योर। और 20 मार्क्स का जो है एज यूजुअल जनरल अवेयरनेस रीजनिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, यानी कि सभी के सभी एग्जामिनेशन में जो है 20 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सेंटर्स लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी। एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC WPWD एंड EWS विल बी मेड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर सच कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, यानी कि जैसे SC ST रिजर्वेशन किए जाएंगे। इंटीमेशन फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर विल बी गिवन सेपरेटली थ्रू एडमिट कार्ड, यानी कि जहाँ पे भी सेंटर आया वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा। यू आर एडवाइज टू विजिट दी CCRS वेबसाइट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेबसाइट फ्रीक्वेंटली टू एक्सेस दी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, यानी कि हमें रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए वेबसाइट CCRS एंड आयुष वेबसाइट, ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। द एडमिट कार्ड्स फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड, यानी कि एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही हमें मिल जाएगी, जो कि लिंक आपको वेबसाइट पे आपको जो है वेबसाइट के लिंक पे जाकर आपको एडमिट कार्ड लेना होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में या फिर 10th सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही जो है कंसिडर किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आज हमने बात की कुछ पोस्ट के बारे में, उनके सैलरी, साथ ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आर्मी हॉस्पिटल्स के लिए है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।